लोकसभा चुनाव के लिए सभी चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और नई सरकार का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और महज 3 दिन बाद सभी के सामने नई सरकार का चेहरा साफ होगा। लेकिन इससे पहले आज हम आपको बता रहे हैं मतगणना से पहले जनता के फैसले की एक झलक, यानी कि जनता मतदान के बाद किसे सरताज पहनाना चाहती है और किसे सत्ता से दूर रखना चाहती है। अन्य सर्वे एजेंसियों के साथ हमारी A1 टीवी की टीम ने भी जाना जनता से उनका फीडबैक, जिसके बाद माना जा रहा है कि जनता एक बार फिर पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आपको दिखाते हैं आखिर जनता ने मतगणना पूर्व हुए एग्जिट पोल में किसे दिया बहुमत, किसे बिठाया सत्ता से बाहर। हालांकि एग्जिट पोल ने भाजपा गठबंधन को सबसे बड़ी पार्टी तो बताया है, लेकिन उसे बहुमत से दूर भी रखा है। मार्च से पहले तक बहुमत से काफी ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी भाजपा को मतदान के बाद काफी नुकसान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फायदे में है तो यूपी, एमपी और राजस्थान सहित कई राज्यों में नुकसान में भी रहेगी। एग्जिट पोल्स आ गए हैं और एग्जिट पोल्स में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि 23 मई को होने वाली मतगणना के बाद अंतिम मुहर लगेगी कि कौन सत्ता में होगा और कौन सत्ता से बाहर। एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और एग्जिट पोल से क्या संकेत है और राजनीति में किस ओर इशारा हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं और लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर से मोदी सरकार बनने के संकेत दिए हैं, किस नजर से आप देखते हैं इन एग्जिट पोल्स को? देखिए, एक तो ये स्पष्ट होना चाहिए हम सबको कि एग्जिट पोल कोई हर व्यक्ति से ली गई राय नहीं है जी, सैंपल सर्वे की तरह है। आज तक जैसे कह रहा है कि मैं 8 लाख लोगों से राय ली है, करोड़ों मतदाताओं में 8 लाख लोगों की राय है वो जी। उसमें हो सकता है कि हर वर्ग के लोग शामिल किए गए हों, हर वर्ग के, उम्र के, हर जाति के लोग शामिल किए हों, लेकिन सैंपल सर्वे भी कभी एग्जिट पोल हो जाए जी ये जरूरी नहीं है जी। लेकिन सभी चैनलों का लगभग एक जैसा आ रहा है तो उसकी दो बातें तो हमको ये समझनी पड़ेंगी। एक तो ये कि बीजेपी अकेली स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर पा रही है जो उसको पिछली बार 2014 मिला था, देखा गया था जी। 2014 में 272 का जादुई आंकड़ा अकेले बीजेपी ने पार कर लिया था जी, और 336 के आसपास शायद सहयोगियों के साथ थे जी, बिल्कुल। इस बार बीजेपी 272 का आंकड़ा अकेले नहीं छू पा रही है और अपने सहयोगियों के साथ वो 300 के आसपास एग्जिट पोल के अनुसार जी, हम नहीं कह रहे कैसा होगा जी, एग्जिट पोल सारे ही बता रहे हैं 296, 300, 305, 306 जी, इसके आसपास जा रहे हैं सारे एग्जिट पोल जी। एवरेज मान लें 300 जी, तो भी 272 का आंकड़ा है, 272 आंकड़ा बीजेपी अकेले पार नहीं कर रही है जी। एक बात तो ये अंडरलाइन करने योग्य है कि वो पार्टी जो अकेले दम पर 2014 में क्षमा करें जी सत्ता में आई थी जी, वो अब अकेले दम पर बहुमत नहीं ला पा रही है, एक बात तो ये। लेकिन एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है सभी एग्जिट पोल्स में जी, वो भी बॉर्डर लाइन है, ऐसा नहीं है जी, बहुत ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है, पर उससे 20-25 सीटें ज्यादा बता रहे हैं जी। अब कांग्रेस का जहां तक सवाल है, यूपीए का जी, यूपीए की सीटें पहले से दुगनी हो रही है लगभग एग्जिट पोल के मुताबिक जी। ये नहीं बता रहे कि वो सत्ता में आने जा रही है या अन्य दलों के साथ मिलकर उसका बहुमत बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है जी। लेकिन ये जरूर है कि यूपीए पहले से दुगनी और कांग्रेस भी लगभग 44 से 75 के बीच, पिछली बार 44 सीट जीती थी जी। अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल जितने आ रहे हैं उसके हिसाब से कांग्रेस 75 सीट के आसपास जा रही है जी। ये एग्जिट पोल की दास्तान है, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा कैसा ही नतीजा आएगा। तो इसमें अभी तक के जो 4-5 चैनल के एग्जिट पोल सामने आए हैं उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी।
एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत नहीं आ रहा है, और यूपीए की सीटें डबल हो रही हैं, लेकिन यूपीए अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है जी। ये सारे दलों के अध्ययन के बाद, सारे चैनलों के एग्जिट पोल के अध्ययन के बाद ये बातें निकल कर सामने आती है जी। सर, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान को लेकर के 25 लोकसभा सीटों को लेकर के जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है और अब 25 लोकसभा सीटों पर जहां कांग्रेस दावा कर रही थी कि पूरे 25 मिशन 25 में हम सफल होंगे, हम 25 सीटें जीतेंगे, लेकिन अब एग्जिट पोल्स महज कुछ सीटें, एक दो सीटें उनके खाते में जाती दिखाई दे रही है। ऐसा क्या समझते हैं, क्या एग्जिट पोल्स वाकई सटीक जाते नजर आ रहे हैं या फिर जो मतगणना होगी उसके बाद चौंकाने वाले आंकड़े भी हो सकते हैं? देखिए, एक तो एग्जिट पोल का राजनीतिक विश्लेषण नहीं किया जाता है कभी भी जी। एग्जिट पोल जो राय सैंपल सर्वे में आई है उसको कैलकुलेट करके पेश कर दिया जाता है जी। तो जो दो, एक सीट, जीरो सीट, मैं आज तक देख रहा था जीरो से तीन सीट बता रहे हैं, दो सीट बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं जी, 23 से 25 बता रहे हैं बीजेपी की जी, जैसे बिल्कुल पिछले वाला कारनामा बीजेपी दोहरा देगी, 25 की 25 ले जाएगी जी। ये आज तक एग्जिट पोल कह रहा था, या 23 ले जाएगी, दो सीटों का नुकसान होगा जी। देखिए, राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ जातिवाद का भी अपना रोल है जी, कैंडिडेट की मेहनत का भी अपना रोल है जी, पार्टी कार्यकर्ताओं में काम करने का अपना रोल है जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा संगठित और ज़्यादा प्रतिबद्ध था जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता उतने प्रतिबद्ध भी नहीं थे, उतने सक्रिय भी नहीं थे और संगठित तो है ही नहीं कांग्रेस, उसके गिरला है, जुलूस है जी, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान में अभी भी कई इलाकों में जातिवाद ने अपना रोल प्ले किया है, प्रत्याशी की जाति और एक ध्रुवीकरण हो जाता है जी। इसमें कोई दो राय नहीं, सरफेस पर तो मोदी मोदी और 18 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक का नौजवान जो सोशल मीडिया पर प्रभावित हो तो मोदी मोदी कर रहा था जी। बहुत सारे लोग उम्रदराज भी ऐसे मिले जो मोदी के भक्त थे, मोदी को कुछ लोग देवता मानते मिले, कुछ लोग मोदी को भगवान के रूप में ऐसा कहने वाले भी मिले हैं मेरे को बहुत सारे लोग जी। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के वोटर ने, देखिए एससी ने, मुझे जो जानकारी है राजस्थान में घूमने पर, देखने पर, जानने पर जी, शेड्यूल कास्ट ने बहुतायत में कांग्रेस को वोट दिया है जी, मीणा समाज ने बहुतायत में कांग्रेस को वोट दिया है जी, और मुस्लिम समाज ने बहुतायत में कांग्रेस को वोट दिया है जी, और कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट भी उसको पड़ा है, कई इलाकों में जाट वोट भी मिला है कांग्रेस को जी, कई इलाकों में राजपूत वोट भी मिला है कांग्रेस को, जैसे कि नागौर में कांग्रेस को राजपूत वोट मिला है जबकि दोनों प्रत्याशी जाट थे दोनों तरफ, हनुमान बेनीवाल भी जाट था जी, ज्योति मिर्जा भी जाट थी कांग्रेस की। तो ये डिफरेंट इलाकों के डिफरेंट समीकरण है जी, करौली में जो समीकरण था वो बिल्कुल डिफरेंट था, दौसा में समीकरण बिल्कुल डिफरेंट था, दोनों मीणा थे दौसा में आमने सामने, जसकौर मीणा सवाईमाधोपुर से आई थी और ये मुरारी मीणा की पत्नी थी जी, अदर कास्ट ने किसको वोट दिया इस पर निर्भर करता है। और एक बड़ा फैक्टर, दो फैक्टर बताता हूँ मैं आपको, गुजरों ने अगर कांग्रेस का साथ नहीं दिया होगा तो ये स्थिति आएगी जो कि एग्जिट पोल में आ रही है जी, सटीक जाएगा एग्जिट पोल अगर ऐसी स्थिति सटीक नहीं तो उसके आसपास स्थिति आएगी, और गुजरों ने साथ दिया होगा कांग्रेस का विधानसभा चुनाव की तरह तो ये स्थिति नहीं आ सकती, एक बात। दूसरा, विश्नोई कम्युनिटी ऐसी है, अगर उसने कांग्रेस का साथ दिया है जी, बीजेपी का साथ नहीं दिया है क्योंकि उनका सुखराम विश्नोई को मंत्री बना रखा था अशोक गहलोत ने जी, वो विश्नोई कम्युनिटी को जोड़ पाए, अगर कांग्रेस से जोड़ के वोट दिला पाए तो विश्नोई और गुजर कई इलाकों में समीकरण को बदल सकते हैं। ये बात हमें एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ एग्जिट पोल को देखना पड़ेगा जी। और कई इलाकों में व्यापारी वर्ग ने भी इस वक्त वोट कांग्रेस को दिया है, ऐसा हमें देखने पता चलता है। तो कांग्रेस के नतीजों में एग्जिट पोल शायद वैसा का वैसा ना हो पाए, ये संभावित है जी। बहुत सारे लोग डे वन से कह रहे थे कि 25-25 बीजेपी को आएगी, 23 आएगी, 22 आएगी, ऐसे ढेर सारे लोग मिले हैं जी, कई उद्योगपति मिले हैं, कई पॉलिटिशियन मिले हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स मिले हैं जी, जो 22-23 बीजेपी की सीट बता रहे थे डे वन से जी। और वो कई ऐसी सीटें जिन पे कांग्रेस को मजबूती दिखाई दे रही है, बाड़मेर है, नागौर है, जोधपुर में टक्कर है जी, तो वहाँ भी वो बीजेपी को जीतता हुआ बता रहे थे। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है
कि कुछ जगह हालांकि कांग्रेस ने जैसे जानबूझकर तो नहीं कह सकते, लेकिन अनजाने भी सही समझ लो अपनी लापरवाही से, जैसे टोंक की सीट का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, टोंक सीट कांग्रेस जीत सकती, लेकिन आखिरी समय में प्रत्याशी ने खुद नहीं हाथ खींच लिया, साधन संसाधन नहीं जोड़ झोंके, आखिरी समय में उसको हारता हुआ समझ लिया अपने आप को। ऐसे कई जगह इस तरह की बातें भी हुई हैं जी। अभी मुझे गंगानगर सीट पर भी टक्कर नज़र आती है कांग्रेस की तरफ से, सीकर में टक्कर नज़र आती है और करौली दौसा में टक्कर नज़र आती है, बाड़मेर टक्कर नज़र आती है, जोधपुर टक्कर नज़र आती है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। और अजमेर की सीट पे भी आखिरी समय कांग्रेस का चुनाव मंड गया जी। तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव देखा जाए। हाँ मतलब ऐसा लगता है, जो नतीजा नहीं पता लगेगा, लेकिन आखिरी दो तीन दिनों में कांग्रेस के प्रत्याशी ने काफ़ी वहाँ पर गेन किया। अब वो माहौल बना, हाँ, माहौल बना, वो माहौल सरफेस पे था या नीचे भी था ये कह नहीं सकते जी। ये जरूर है कि राजस्थान में मोदी भक्तों की बड़ी कतार थी, मोदी मोदी करने वाले लोग चिल्ला चिल्ला कर मोदी मोदी कर रहे थे, और जिन्होंने इस पर असहमति रखी, कांग्रेस का साथ दिया होगा, वो साइलेंट थे, उनमें से कोई ये बोलता नजर नहीं आया कि हम मोदी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। इसलिए अभी भी थोड़ी गुंजाइश है कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से कि वो नतीजे शायद इस एग्जिट पोल के अकॉर्डिंगली एकदम एग्जैक्ट ना हो जी। जी, एग्जिट पोल्स को लेकर लगातार चर्चा हमारी जारी है राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। सर, एग्जिट पोल्स में जिस प्रकार से नतीजे देखने को मिल रहे हैं, यूपी में महागठबंधन का नया रोल देखने को मिला था, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट नजर आते हैं, अगर होते हैं, ये परिणाम में तब्दील होते हैं, तो क्या वजह मानते हैं आप इस उलटफेर की? नहीं, उलटफेर कहाँ हो रहा है, उलटफेर जो सोचा था वो तो हो नहीं रहा है इसके हिसाब से जी। अभी भी 55-58 सीटें बीजेपी को बता रहे हैं एग्जिट पोल जी, मेरे अंदाज से जी, और 20 सीटें बता रहे हैं शायद महागठबंधन को जी, और 1 या 3 सीटें बता रहे हैं शायद राहुल गांधी हार जाएं, ऐसा लगता है उनके हिसाब से, तो या सोनिया गांधी हार जाएं जी, पता नहीं कौन किसको जिता रहे, एक को तो गॉड नोज। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को जी, कि ये जो दो देश की सत्तारूढ़ पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, सबसे पहली बात तो लोगों को ये जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि मतदान पूरा हो चुका है, मैं स्पष्ट अब कर सकता हूं इस बात को जी, कि नरेंद्र मोदी डे वन से जानते थे कि पार्टी का नाम लेंगे बीजेपी का तो सामने पार्टी खड़ी कांग्रेस जी, घोषणा पत्र का नाम लेंगे सामने घोषणा पत्र जी, एजेंडे का नाम लेंगे सामने एजेंडा जी, और 5 साल के कामकाज का नाम लेंगे तो फिर कामकाज पे सवाल और कटघरे में खड़ा किया जाएगा जी। इन सब बातों को उन्होंने एक तरफ कर दिया, चुनाव को ऐसे जोन में ले गए जहां नरेंद्र मोदी अकेले थे नायक जी, और उन्होंने कहा कि कमल पर बटन दबाओगे वोट मोदी को मिलेगा। ये बातें अंतिम चरण के पहले भी जो भाषण थे उनके उनमें देखने को मिला, मोदी को मिलेगा जी। तो मतलब ये कि 542 सीटें में जितनी सीटें एनडीए लड़ रहा है सब जगह मोदी लड़ रहा है जी, प्रत्याशी को उन्होंने गौण कर दिया, कहीं सभाओं में प्रत्याशी के नाम नहीं लिए, पहले परंपरा थी कि प्रत्याशी को मंच पर खड़ा करके प्रमोट किया जाता था, प्रमोट किया जाता था, स्टार प्रचारक कहता था कि ये है प्रत्याशी आपके सामने पेश किया हमने, इसको वोट देना जी, उसका भाषण नहीं, उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं, सिर्फ कमल के निशान बटन दबाना वोट मोदी को मिलेगा जी, और उन्होंने धारणा ऐसी बना दी कि मोदी को जो वोट मिलेगा वो तुम बटन दबाओगे और गोली इमरान खान को लगेगी जी, ऐसा माहौल बन गया। तो देशभक्ति का प्रतीक हो गया कमल पर बटन दबाना जी, और मोदी को जिताना भी देशभक्ति का प्रतीक हो गया जी। तो वो ऐसी जगह ले गए चुनाव को जिस जगह पर इमोशनली भी भारतीय उनके साथ हो गया जी, और प्रतिपक्षी पार्टी में न तो राहुल गांधी कह सकता था मैं हूं सामने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जी, न मायावती कह सकती न अखिलेश कह सकता, प्रतिपक्ष को निरुत्तर कर दिया और कटघरे में खड़ा कर दिया कि इधर तो मोदी है जी, अब सामने कौन। तो चुनाव को वो ऐसे जोन में लेके चले गए जहां पर प्रतिपक्ष निरुत्तर था जी, और लोगों के सामने जो प्रश्न रखा उन्होंने कि मोदी के सामने कौन जी। जब बहुत सारे लोग मुझे मिले बातचीत के दौरान ये कहते हैं कि सर हम चाहते नहीं जैसा शासन 5 साल चला, नोटबंदी वगैरह कई चीजों ऐसे मत थे, लेकिन मोदी के सामने ही नहीं सर कोई जी, क्या करे, देश तो चलाना है, देश को बचाना है जी। तो ये ऐसी परिस्थिति उन्होंने पैदा कर दी और प्रतिपक्ष को निरुत्तर करके रखा, प्रतिपक्ष के लोग अपनी महत्वाकांक्षा में, अपने अहंकार में और अपने पता नहीं कौन से सपनों में डूबे रहे, क्या सोचते रहे जी, और मोदी अपनी पतंग को हवा में उड़ा ले गए जी। एक बात,
मैं इलेक्शनरी की बात कर रहा हूं, नहीं कह रहा कि ऐसा ही हो रहा है अभी चुनाव नतीजे जैसे आ रहे हैं वैसे, लेकिन फिर भी जो चुनाव में घटा वो बताना चाहता हूं जी। तो मोदी इस चुनाव को उस जोन में ले गए जिस जोन में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, कोई उनको जवाब नहीं देता उनके सवाल का। एक बात सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने इस चुनाव को मोड़ दिया, ऐसी जगह ले आए खड़ा, ऐसा बिंदु खड़ा कर दिया जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये हो गया जी, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात यह कि यूपी की राजनीति में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा परसेप्शन है, आई मे बी रॉन्ग, कि मायावती जो एक्शन करती है वो बीजेपी को सूट करता है, वही एक्शन करती है। अब बीजेपी कराती है उनसे या अपने आप करती है, मैं नहीं कहना चाहता, इसमें नहीं जाना चाहता जी, लेकिन मायावती ने अखिलेश के सामने जब चुनाव लड़ा विधानसभा का तो 100 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया। बीजेपी ने किसी न किसी माध्यम से मायावती को समझाया कि अखिलेश को डाउन करेगी तो तुम सीएम बनोगी जी, और वो डाउन तभी होगा जब मुस्लिम वोट डिवाइड करोगी जी, और मुस्लिम वोट तो किया, डिवाइड करवाया मायावती से बीजेपी ने, मेरा ऐसा मानना है जी, और हिंदू वोट को यूनाइट कराया, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देके। ये पोलराइजेशन और डिवीजन जी, इससे बीजेपी विधानसभा चुनाव में बंपर मेजोरिटी के साथ आई जी। अब इस बार अखिलेश और मायावती एक हो गए, उनका कंपल्शन था पॉलिटिकल, बुआ भतीजे का जी, हम दोनों मिलकर के दिल्ली पे राज करने के लिए चले आगे, और विधानसभा चुनाव भी सामने आएंगे 2-3 साल बाद, तो फिर करेंगे जी। तो भी कांग्रेस को उससे बाहर रखवाया गया जी, अगर कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल होती तो और मजबूती होती उसमें, तो बीजेपी के लिए बहुत खराब स्थिति होती जी। अब लोग कहते हैं कांग्रेस ऐसी पावरफुल नहीं है जी, क्षमा करें जी, पावरफुल की बात नहीं होती, कांग्रेस का वोटर कौन है, मुस्लिम और एससी जी, और अखिलेश और मायावती का वोटर कौन है, मुस्लिम और एससी और यादव जी, ठीक है ना। तो यादव वोट तो भले अखिलेश ले जाए जी, कांग्रेस ने अलग रह करके या कांग्रेस को अलग करवा के मुस्लिम वोटर को कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया, कांग्रेस जीतेगी या अखिलेश जीतेगा, किसके साथ जाए जी, कौन मोदी से लड़ पा रहा है, कौन मोदी को हराएगा, डिवाइडेशन हो गया वहां पे, हाँ डिवीजन कराया ना उन्होंने जी। एक उधर एससी के वोटर जो कांग्रेस के हो सकते थे या मायावती के होते पूरी तरह 100% होते, या तीनों साथ गठबंधन होते तो एक तरफ जाते, मजबूती होती, वो भी डिवाइड हो गए, वो इससे डिवाइड हो गया कि मायावती प्राइम मिनिस्टर बनेगी कि नहीं बनेगी तो मायावती के साथ जाए, या कांग्रेस मोदी को हरा देगी, दिल्ली की राजनीति है, दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस, तो वो कन्फ्यूजन मुस्लिम में पैदा हुआ, एससी में पैदा हुआ जी, ओबीसी में पैदा हुआ, और इस तरह कांग्रेस को बाहर रख करके मुस्लिम वोटों का और एससी वोटों का ऐसा डिवीजन क्रिएट कर लिया गया जो डिवीजन बीजेपी को ट्रेंगुलर फाइट में जिताने की स्थिति में ले आता है जी। इसलिए महागठबंधन में अखिलेश के और मायावती के वोट मिल भी जाए तो वो नतीजा नहीं आता गणित के रूप में जो विधानसभा चुनाव के वोट मिलाने पर आ जाता जी, क्योंकि ये कांग्रेस के वोटर्स, एक तीसरा खंबा खड़ा हुआ कांग्रेस का, उसने वोटर्स डिवाइड किए जगह जगह, ठीक है ना। एक बात और मैं कहना चाहता हूं इसमें कि जब भी ट्रेंगुलर फाइट होती है जी, तो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी का वोट डिवाइड होता है, और यूपी में एंटी इनकम्बेंसी का वोट डिवाइड होने का मतलब बीजेपी को सूट करता जी। तो बीजेपी ने वहां महागठबंधन को जो बड़ी भारी सफलता मिल सकती थी उसको बहुत ही चालाकी से कहें, पर्दे के पीछे रहकर कहें, या रणनीतिक तरीके से, या फिर मायावती और अखिलेश की महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हो गया कि कांग्रेस के तीसरा पक्ष बन जाने से उन दोनों पार्टियों को जो एक होकर के बीजेपी को मात देना चाहती थी, उनको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जिस सफलता की उम्मीद लेकर, देखिए चुनाव में जितने वोट पड़ते हैं जी उन्हीं पर फैसला होता है, जनमानस की भावना फैसला नहीं होता, पड़े हुए वोट में वैलिड वोट उसी पर फैसला होता है, इनवैलिड वैलिड वोट भी नहीं गिने जाते, तो वोट पड़े हुए वोट जो हैं उनके वोट डिवाइड इस तरह कर लिए गए कि कुछ मायावती के वोट कट जाएं, कुछ अखिलेश के वोट कट जाएं। और एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि यूपी को जब भी आप देखेंगे, रिजल्ट आएगा उस दिन भी देखेंगे कि मायावती के ऐसी वोट पूरे मायावती अखिलेश को नहीं दिला पाई, कांग्रेस ले गई काफी वोट जी, और अखिलेश की सीटों पर तो मायावती के वोट नहीं मिले अखिलेश की पार्टी को, और मायावती की सीटों पर मुस्लिम वोट नहीं मिले मायावती को, वो कांग्रेस ले गई जी, वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी फॉलोइंग के, ये नतीजे के दिन देखने को मिलेगा हमको। और बीजेपी को जो भी डैमेज कंट्रोल हुआ उसका, मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत सफल होने जा रही है बीजेपी जी, पर जो डैमेज कंट्रोल, भारी डैमेज हो रहा था, डैमेज कंट्रोल हुआ है, उसकी वजह मुझे ये लगती है
कि ऐसा समीकरण बना दिया गया। यूपी में यदि एग्जिट पोल परिणामों में तब्दील होते हैं तो एक पुरानी कहावत है, फूट डालो राज करो, क्या वो कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है? बहुत पहले से होती है राजनीति में, ये होता है, बहुत कॉमन फिनोमिना है और उसका फायदा पूरा बीजेपी को मिलता है। जो छोटी मोटी मैच्योरिटी अखिलेश ने और मायावती ने दिखाई एक होकर के, वो उसके बाद में इमेच्योरिटी में तब्दील होगी कांग्रेस को अलग रखे, तो वो इसमें हम नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी मैच्योरिटी उन्हीं को भुगतनी है जी। हमें इससे कोई लेन देन नहीं है जी, हम कोई बीजेपी हार जाए ये थोड़ी चाहते थे, लेकिन जो उनके महागठबंधन की जो पॉलिसी थी और जो लक्ष्य था उसमें डिफेक्ट था, एक लक्ष्य की तरफ वो इसलिए नहीं बढ़ पाए ऐसा मुझे लगता है जी। एग्जिट पोल्स को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। सर, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुई, बीजेपी से कांग्रेस ने सत्ता हथियाई थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन एग्जिट पोल्स के जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं उनमें राजस्थान में सुपड़ा साफ कांग्रेस का होता नजर आ रहा है, तो ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, राजस्थान में तो वो कहावत थी, वसुंधरा तेरी खैर नहीं मोदी तुझसे बैर नहीं जी, तो विधानसभा चुनाव में हरा के लोकसभा चुनाव में जिता रहे होंगे लोग जी। पर मध्य प्रदेश में वो 1 से 2-3 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को जी, तो कौन, क्या दिग्विजय सिंह भी हारेंगे, क्या कमलनाथ के बेटे भी हारेंगे, क्या ज्योतिराज सिंधिया भी हारेंगे जी? तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं लग रही मेरे को, लेकिन ये जरूर है कि विधानसभा चुनाव जैसी सफलता, क्या बिल्कुल उसका उलट परिणाम होने जा रहा है जी। छत्तीसगढ़ में भी उतनी सीटें नहीं मिल रही है जिस तरह की विधानसभा चुनाव में सफलता थी जी। ये हिंदी बेल्ट में जितने लोग हैं उनकी भावुकता और राम राम का, राम मंदिर वहीं बनाएंगे और ये पुराना बहुत सारा मोदी मोदी मोदी, ये सारा जो है हिंदी बेल्ट की भावुकता का परिणाम है जी। जो हिंदी बेल्ट के नौजवान, खासतौर पर 18 साल की उम्र के नए नौजवान थे वो जी, और बाकी दूसरे लोग जो टीवी चैनल देखते हैं, खासतौर पर टीवी चैनल और सोशल मीडिया के प्रभाव से ये बीजेपी का एक तरह से अभियान उठ खड़ा हुआ और कांग्रेस का मुकाबला उस तरह नहीं कर पाई जी। अभी भी जरूरी नहीं है ऐसा खराब परिणाम आए कांग्रेस के लिए जी, पर हाँ वैसी सफलता नहीं जैसी विधानसभा चुनाव में थी जी, और उसके उलट लग रहा है माहौल एग्जिट पोल के हिसाब से। तो ये जो, हालांकि फिर भी नुकसान है बीजेपी को जी, 25 सीट आई थी, अगर 2 भी कांग्रेस जाती राजस्थान, मान लो 1 मिनट के, तो 2 का नुकसान तो है ना जी। तो ऐसे मेरा मानना ये है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 मिला के 10 सीटों का नुकसान भी होता है बीजेपी को, मान लो तो बीजेपी का 10 सीटों का नुकसान है फिर भी जी। पंजाब में बीजेपी को 5 से 7 सीट का नुकसान होगा जी, हरियाणा में नुकसान होगा जी, यूपी में नुकसान होगा 25 सीटों का, 30 सीटों का, 25 सीट मान के चलता हूँ नुकसान की जी। तो बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 1-2 सीट का नुकसान गुजरात में हो सकता है, कुछ नुकसान महाराष्ट्र में हो सकता है, ये सब मिला के जो नुकसान होगा 60-70 सीट का बीजेपी को, इसमें से कुछ भरपाई इसकी बंगाल में होगी जी और कुछ भरपाई इसकी उड़ीसा में होगी जी। मैं समझता हूँ एग्जिट पोल में भी आपने देखा होगा नतीजे आगे होंगे जी, बंगाल में बीजेपी का स्कोर आगे जा रहा है, टीएमसी उसके पीछे है, तो ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, और हिंसा का दौर अगर पूरे लोकसभा चुनाव के तहत देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हिंसा देखने को मिली है, और रैलियों को लेकर के भी कभी हेलीकॉप्टर नहीं उतरना, कभी रैलियों की परमिशन को लेकर के पंगा होना, ये तमाम बातें पश्चिम बंगाल में। भारत की जनता लोकतंत्र में किसी भी तरह के अधिनायकवाद को पसंद नहीं करती है जी, और डेरोगेटरी लैंग्वेज हो तो पसंद नहीं करती है, और एक तरफा कोई कार्रवाई करे उसको पसंद नहीं करती है। बंगाल में क्या हुआ वो मैं जैसा समझ पा रहा हूं जी, ममता वर्सेज सीपीएम थी जी, सीपीआई सीपीएम वामदल, अब वामदल तो हो गए गौण, उन लोगों को लग रहा है कि ममता का मुकाबला वामदल नहीं कर सकते, ममता का मुकाबला मोदी कर सकता है जी। तो जो सीपीएम सीपीआई का लाल झंडे वाला वोटर था जी, वो भी भगवा को वोट दे के आया है, कमल को वोट दे के आया है इस बार जी, क्योंकि वो अपने वोट को रिलेवेंट बनाना चाहता है, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहता है। इसलिए जब नतीजे आएंगे शायद सीपीआई सीपीएम के बहुत सारे वोट ममता के खिलाफ होने के बावजूद बीजेपी के साथ डले हुए नजर आएंगे, और बीजेपी वहां इसीलिए रेलेवेंट हो पाई, भाजपा के नीति निर्धारकों ने, रणनीतिकारों ने समझ लिया था कि ममता वर्सेज कौन होगा, मोर्चा कौन लेगा ममता से, सारा वोट पोलराइज होकर उसके इर्द गिर्द आ जाएगा जी। तो यहां पर जो सीपीएम सीपीआई का वोटर था ट्रेडिशनल, 25 से 30 साल से जो लोग लाल झंडे को वोट दे के आ रहे थे,
वो लोग भी केसरिया भगवा के साथ इसलिए हो गए कि ममता का विरोध करना है, ममता के खिलाफ वोट देना है, ममता से जो मोर्चा ले सकता है वो मोदी ही हो सकता है, ये समझ करके। तो ये भावना प्रचारित प्रसारित करके एस्टेब्लिश की बीजेपी ने जी, और इसकी वजह से ही वहां पर मुझे लगता है कि बीजेपी रेलेवेंट हो पाई, प्रासंगिक हो पाई और बीजेपी को 10 से 15 सीटों की उम्मीद मुझे लगता है कि होनी चाहिए। 15 सीटों के आसपास भी बीजेपी प्राप्त कर सकती है बंगाल में जी, क्योंकि वो बीजेपी का वोटर नहीं है जी, वो ममता विरोधी वोटर है जिसने बीजेपी को अपना प्रतिनिधि मान लिया है जी, कि मेरी लड़ाई को ये लड़ रहे हैं इसलिए इनके साथ। तो ये एक उनकी रेलेवेंस है। तो 10-12 सीटों का बीजेपी फायदा वहां लेगी, जो नॉर्थ बेल्ट में उसको नुकसान होता है उसको वहां कवर करेगी 10-12 सीटों से जी, और उड़ीसा में भी कुछ सीटों पर ज्यादा आएगी बीजेपी और वहां भी बीजू जनता दल के सामने वो एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा सकती थी वहां पर, इसलिए बीजेपी ने वो फायदा उठाया वहां पर, और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाते हुए बीजेपी 5-7 सीटों का कवरेज वहां करेगी अपने लॉस का जी। सर, सभी राज्यों में लगभग देखा जा रहा है एनडीए के जो दल हैं वो सबसे ज्यादा स्कोर लेते जा रहे हैं, लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के एग्जिट पोल्स में यूपीए वहां पर सबसे बड़े दल के रूप में, सबसे बड़े घटक के रूप में नजर आ रही है और बीजेपी वहां पर माइनस में नजर आ रही है। देखिए, वहां पे बीजेपी एसएच बीजेपी चुनाव लड़ती है, अकाली दल चुनाव लड़ता है जी, और अकाली दल की स्थिति इस वक्त कमजोर है कई कारणों से, इन पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, ये आज वक्त नहीं है, लेकिन अकाली दल चूंकि कमजोर है इसलिए बीजेपी वहां कमजोर है, इसलिए कांग्रेस वहां मजबूत है जी। जी जी, देश के दिल में दिल्ली में अगर बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा हो रहा है और दूसरी पार्टी कांग्रेस वहां पर निकल करके आ रही है, लेकिन आप जो कि वहां पर सत्ता में है, अरविंद केजरीवाल लगातार रैलियां कर रहे थे लेकिन 0 सीट वहां पर आपकी बताई जा रही है, और अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो बीजेपी 6 से 7 सीटों पर और इतनी ही सीटों पर कांग्रेस को बताया जा रहा है, तो अब एग्जिट पोल्स के अनुसार आपको कुछ नहीं मिल रहा है और बीजेपी यहाँ पर बहुमत के आसपास नजर आ रही है, दिल्ली में सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी के रूप में देखी जा रही है। दिल्ली में तो देखिए बीजेपी की अच्छी स्थिति रहने वाली है क्योंकि बीजेपी विरोधी वोट डिवाइड हो रहा है, आप भी लेके जा रही है और कांग्रेस भी लेके जा रही है, और कांग्रेस आप एक नहीं हो पाए समझौते में, लेकिन क्या है बीजेपी विरोधी वोट पहले जो आपको गया था एक साथ होके, कांग्रेस ने भी वोट डलवा दिए थे आपको विधानसभा चुनाव में जी, वो वोट अब कांग्रेस ने वापस रिकवर कर लिया है, कांग्रेस वहां खड़ी हो जाएगी और जो वोट आपको मिला था वो भी धीरे धीरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा, हो सकता है विधानसभा चुनाव वापस आपको मिल जाए, हालांकि आप विधानसभा चुनाव में अपने आप को रिटेन कर पाएगी मुझे लगता नहीं अब जी, अगले विधानसभा चुनाव में, पर आज वोट केजरीवाल पर नहीं डल रहा है, आज वोट मोदी या ना मोदी पर डल रहा है जी, तो इसमें लोग केजरीवाल को बीच में नहीं समझते, इसमें लोग राहुल गांधी को या कांग्रेस को समझते हैं, इसलिए अगर मोदी के खिलाफ वो वोट देना चाहेंगे तो आपको देनी बजाय वो कांग्रेस को देंगे। लोग कहते हैं ना अपना वोट कुएं में नहीं डालना चाहता था, ऐसे बातों में कहते हैं लोग तो वोट कुएं में नहीं डालूंगा, ये तो जीतेगा नहीं, मैं इसको दूंगा जो मेरे आदमी को हरा सके जिसको मैं हराना चाहता हूं जी, तो ये नेगेटिव वोट का ये असर होता है जी। जी, बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार के आज 2 बयान आए हैं, दोनों ही चौंकाने वाले हैं। एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव उन्होंने लड़ा लेकिन उन्होंने धारा 370 को लेकर के और प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर के आप? देखिए, पलटी खाने में नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं जी, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव जीता है, सीएम बने और फिर बीजेपी के साथ चले गए पूरी, तो ये पलटी खाई है उन्होंने, एक आज एक पलटी खा के दरवाजा खोला है कि अगर मान लो हंग पार्लियामेंट आती है और कोई कह दे नीतीश कुमार तू प्राइम मिनिस्टर जी, तो वो कैसे कह दे जी, कि नीतीश कुमार दरवाजा खोल दिया, 370 का धारा 370 का विरोध और प्रज्ञा ठाकुर को हटाए कांग्रेस बीजेपी सॉरी जी नाजुराम गोडसे के मुद्दे पर, तो ये 2 बातें करके उन्होंने आज किए, जब वोटिंग पूरी हो गई तब 3-4 दिन से 6 दिन से चुप थे, अब तक नहीं बोल रहे थे मतदान का चल रहा तब, अब उन्होंने कि भाई मैं भी अब उन्होंने पत्ता फेंका है उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक 2 बातें बोल करके, और कोई परिस्थिति बन जाए और नीतीश कुमार को भी लोग मान लें कि ये भी धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ जुड़कर देश में बीजेपी विरोधी सरकार बनाने में इच्छुक हैं, तो ये 2 बिंदु निकाल लिए उन्होंने जिनके आधार पर वो बीजेपी से अलग भी होना चाहे तो हो सकते हैं जी, ऐसा रास्ता खोल दिया, ये उनकी रणनीतिक चाल है। मैं नहीं मानता कि कोई अगर एनडीए को बहुमत मिल रहा होगा तो इन मुद्दों पर वो छिटक के समर्थन वापस लेंगे और अपनी सरकार बीजेपी के साथ नहीं रखेंगे या बीजेपी को दिल्ली में समर्थन देंगे, मैं नहीं मानता। बस उन्होंने एक ओपनिंग की है दरवाजे की कि भाई मेरा दरवाजा खोल रहा हूं मैं,
अगर जरूरत समझोगे आप तो मेरे को बुला लेना, मैं भी आ जाऊंगा बाहर निकल के यूपीए के लोगों को या दूसरे लोग जो अगर उनकी ऐसी स्थिति बनती है कि जितनी सीटों की जरूरत है उतनी सीटें नीतीश कुमार के पास हो और नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, आ जाओ भाई। तो ये उन्होंने पासा फेंका है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इन दो मुद्दों पर बीजेपी से कोई जंग लड़ेंगे। जी जी सर, आप हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने अपनी राय रखी एग्जिट पोल को लेकर के, देश में किस प्रकार से जनता का मूड है ये एग्जिट पोल्स ने बताया है। हालांकि 23 मई को होने वाली मतगणना के बाद ही यह तय होगा कि किस किस माथे पर जीत का सहरा होगा और कौन विपक्ष में बैठेगा।